इंसान को है ना देखो, हमेशा है ना अपने कामयाबी पर, हमेशा अपने आप को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत करते रहनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अक्सर क्या होते हैं ना, इतने कम उम्र में लोग थक जाते हैं। जैसे मैं अगर अपनी उम्र की बात करूं तो मेरी उम्र 26 साल की है, 1996 का मेरा बर्थ है, और 1996 से आप जोड़ लीजिए कि यहाँ पर अभी 2022 कितने साल हो गए, 26 साल हो गए। इस 26 साल में मेरे पास आज 4 सरकारी नौकरियाँ भी हैं, एक अच्छा सा मंच भी है जहाँ हम पढ़ाते हैं, आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार भी है, लेकिन मैं अपने लाइफ से इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और अभी इस 26 साल की उम्र में मैं किताब भी लिख चुका हूँ। अभी मेरे से भी कम उम्र में बहुत सारे लोग कामयाब हो चुके हैं, जैसे आप फुल्ला का भी सुनते हैं, एमबीए चाय वाला हो गए हैं, और भी कई सारे लोग होते हैं यहाँ पर। तो हमेशा है ना इंसान को है ना इनकी सक्सेस स्टोरीज पढ़ते रहनी चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। आप लाइफ में कब कहाँ जा सकते हैं आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि आप अपने ऊपर निरंतर काम करते चले जाइए। अगर आप ये सोचेंगे ना, अगर आप ये सोचेंगे कि यार कोई मेरे लिए मेहनत करने वाला है या मेरे लिए कोई कुछ करने वाला है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका प्यार कितना भी सच्चा हो, आपके रिश्तेदार कितने भी अच्छे हो, सारे के सारे धरे के धरे रह जाते हैं जब तक आप कामयाब नहीं होते हैं। जैसे अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि आप ही के घर में मान लीजिए एक परिवार है, और वहाँ पर उस परिवार में दो बेटे हैं, एक बेटा ऐसा है जो बहुत ही सीधा है, बहुत ही सज्जन है, सबके पाँव छूता है, सबकी आदर करता है, सबकी सम्मान करता है, लेकिन वो बेरोजगार है, और दूसरा बेटा यहाँ पर ऐसा है जो थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा बदमाश है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर उसकी अच्छी खासी इनकम है। तो इतना जान लीजिए कि घर में जिस दिन खाना बन रहा होगा ना, तो उस दिन बड़े वाले बेटे के अकॉर्डिंग नहीं, जो बेटा पैसे कमा के आ रहा होगा उसके मनपसंद के हिसाब से खाना बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो रोटी भी उसी के पैसे की है, और अक्सर ऐसा होता है, ये एक सच्चाई है, मानो या ना मानो यही फैक्ट है। तो इंसान को है ना अपने चरित्र पर आज के समय मुझे लगता है काम तो करना ही चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा काम जो है अपने कामयाबी के ऊपर करना चाहिए। अगर आप अपने आप को ज़्यादा कामयाब बनाएं, ज़्यादा अपने आप को बड़ा इंसान बनाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अपने लिए काम करो, अपने लिए जियो, ठीक है, बाकी सबकी इच्छाएं तो ऑटोमेटिक पूरी हो जाएंगी। मैं कहता हूँ ना कि जिस दिन आपकी पहली सैलरी आ जाएगी, ठीक है, आप अपने गुरु को उससे जाकर कुछ गिफ्ट करोगे, आप जाकर कहीं प्रसाद चढ़ाओगे, लेकिन दूसरी तीसरी सैलरी तो खर्च अपने ऊपर ही करोगे ना। पेरेंट्स को भेजोगे कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो भेजना है, वो तो अधिकार है आपका, वो तो भेजना ही भेजना है, लेकिन फिर भी काम तो अपने ऊपर करोगे। वो ज़िंदगी जो लाविश लाइफ जो जियोगे, जो अपार्टमेंट लेकर रहोगे, जो गाड़ी में घूमोगे, ठीक है, जो एक आपकी पार्टी होगी, और भी चीज़ें रही होंगी, तो वो तो उससे आपका लाइफ स्टाइल बदलेगा ना यार, ठीक है। तो इसीलिए अपने आप को कामयाब बनाइए, और अपने आप को बनाना है कामयाब, कुछ भी हो जाए। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, आप सभी के कमेंट मैं पढ़ता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखो,